रायबरेली से इंडियन प्राइम न्यूज की खबर का एक बार फिर से दमदार असर देखने को मिला। बीते दिन इंडियन प्राइम न्यूज ने आकाशवाणी में आरजे के पद पर तैनात अंकुर तिवारी का चाइना मंझा से गला कटने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने संज्ञान लेते हुए नायब तहसीलदार रत्नेश सिंह को निर्देश दिए। नायब तहसीलदार ने आरजे से बात कर उनका हालचाल जाना और सख्त से सख्त आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें, आरजे अंकुर तिवारी ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देते हुए कहा था कि फ्लाईओवर से 400 मीटर की दूरी पर पतंगबाजी को बैन किया जाए और रायबरेली जनपद में प्रतिबंधित चाइना मांझा के क्रय विक्रय में पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। एक आरजे का गला कटने के बाद इंडियन प्राइम न्यूज ने खबर को दिखाया। खबर चलते ही जिला प्रशासन की कुंभकर्णीय नींद टूटी है और कार्यवाही का आश्वासन देते हुए आगे इस घटना को ना हो सके इसका भी वायदा किया है। उम्मीद यही है कि अब जिला प्रशासन अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए चाइना मांझा को क्रय विक्रय करने वाली दुकानों पर जल्द छापेमारी करवा कर मांझा जब्त कराएगा और आवश्यक कार्यवाही करेगा। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए रायबरेली से हर्षित द्विवेदी की खास रिपोर्ट।